मैं 65% आया हूँ, 60% आया हूँ, जितने भी आए हो आज की डेट में 10 घंटे डेली के देने को तैयार हो तो तुम्हारा IIT में होगा। सो गुड मॉर्निंग लवली पीपल, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 डेज 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। और भाई आज की वीडियो है 202 आउट ऑफ 365। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप के बारे में ऑफ क्लास 11। तो आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वो हमें अपने एक्सपीरियंस से और काफी आइडियंस के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे, तो आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम IIT रुड़की थर्ड ईयर। और हेलो लवली पीपल, 365 डेज 365 वीडियोस चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। और टॉपिक है आज का क्लास 11 कंप्लीट रोड मैप। ये सिर्फ JEE वालों के लिए नहीं है, नीट इसमें सारे इंप्लीमेंट करते हैं क्लास 11 फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब मोस्टली JEE वाले रिलेट कर, अपने अपने एग्जाम से आप रिलेट कर सकते हो। ओके तो सबसे पहली बात आती है सबसे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है रिमूव सोशल मीडिया। तो भाई सबसे पहला मैं कह रहा हूँ, बिना सोचे समझे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जितने भी हैं, भाई आइसोलेट हो जाओ यार 2 साल के लिए। देखो मैंने भी अपने प्रिपरेशन टाइम में बिल्कुल नहीं चलाया था। और भाई तुम लोग को सोशल मीडिया ऐप का यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप चला सकते हो, टेलीग्राम चला सकते हो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, उसके अलावा तुम लोग को और कोई भी सोशल मीडिया पर रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भाई आजकल का सोशल मीडिया जैसे कि बहुत टॉक्सिक है, डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया पे, और इस एज में आपको काफ़ी ज़्यादा होता है कि अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सब लोग, क्योंकि ऑब्वियसली यार हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब लोग हम लोग की फ़ोटो लाइक करते हैं, स्टोरी लाइक करते हैं बहुत, तो ये हम लोग अपना पोस्ट करते हैं अपने आप को, तो एक ये चीज़ है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। और हम लोग के माइंड में भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि मतलब हम लोग को उससे एक रिवॉर्ड तरीके से मिलता है जब लाइक्स मिलते हैं। तो ये सोशल मीडिया से भाई दूर रहो पूरी प्रिपरेशन टाइम पे। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट, रिमूव सोशल मीडिया, रिमूव सोशल मीडिया, रिमूव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज पैराडॉक्स, इट्स अ जाल। और भाई अब बात करते हैं आप क्या चला सकते हो। तो देखो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब आप रख सकते हो। यूट्यूब पर भी भाई देखो रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो फालतू से चैनल है जिनमें बेफालतू में कुछ भी दिखाते हैं तो भाई उनमें तो हटा ही दो। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो देखो मैं बिल्कुल, देखो मैं भी सीधा बोल रहा हूँ भाई, देखो अगर तुम लोग को मेरे व्लॉग डिस्ट्रैक्टिंग लगते हो, वैसे मतलब मैं इतने ज़्यादा लंबे व्लॉग बनाता नहीं, आपके जैसे फ्री टाइम के लिए मैं बना देता हूँ, जैसे जब आप लोग फ्री हो रहे हो 10-15 मिनट का ब्रेक है तो आप ब्रेक में देख सको, उस टाइप के मैं व्लॉग बनाता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना जाए और आपको एक आपकी IIT लाइफ, IITian लाइफ ऑफ IITian, आपको एक मैं ऐसा फील कराता हूँ कि यू आर IITian, तो एक IITian की लाइफ का आप इमेजिन करा सकता हूँ, विजुअलाइज कराता हूँ, तो जिससे कि आप एक मतलब एक उस डायरेक्शन में जाओ और वो चीज़ आपके अंदर आए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मोटिवेटिंग भी हो सकता है। तो भाई इसलिए मैं अपने कंटेंट के ज़रिए ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ काफ़ी ज़्यादा कि वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होगी। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप मेरा व्लॉग मत देखो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, बस स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो भाई, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमारे व्लॉग मतलब देखो ना देखो, मैं ठीक हूँ, मतलब इट्स लाइक इट्स, अगर वो तुम्हें अगर तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल मत देखो भाई, सीधी बात, पढ़ाई पहले ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले पहले पढ़ाई है, फिर तुम बाकी चीज़ें देखो। तुम लोग का सपोर्ट भाई बहुत है भाई, हमें तुम सबके भाई बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो अब सेकंड में बात करते हैं अवॉइड रिलेशनशिप। तो भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरी बाबू मुझसे बहुत प्यार करती है क्या? नहीं भाई, देखो बात सिर्फ इतनी है कि देखो तुम्हारी बाबू सिर्फ तुम्हारे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ है, और फिर तुम्हारे इस प्रिपरेशन में अगर तुम्हारी इतनी सी भी लिटरली इतना सा भी कुछ गलत हो गया तो भाई तुम्हारा पूरा 11th वेस्ट होने वाली है। और भाई ये थोड़ा रहता है कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस सब चीज़ों में पढ़ते हैं और मतलब हम लोग का पूरा साल कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों ने इस 11th क्लास में अपने इस रिलेशनशिप में आने की वजह से अपने 11th को वेस्ट कर लिया है। ठीक है, और आई डोंट सजेस्ट कि मतलब आप न्यू रिलेशनशिप बनाओ, पर फिर भी अगर आपका पुराना रिलेशनशिप है और मतलब इट्स गोइंग गुड, दोनों सपोर्टिव हो एक दूसरे के और एक दूसरे को पढ़ने में मदद करते हो, और आपको एक भी दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बंदा या ये बंदी मेरे पढ़ाई के बीच में आ रहा है, तो अगर ऐसा ठीक है सब कुछ तो कंटिन्यू करो भाई, मतलब
ठीक है भाई, फिर अगर तुम लोग के बीच में सब सही है और मतलब कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई एकदम विरुद्ध हो गया होगा भाई तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो फॉरगेट योर पास्ट सक्सेस एंड फेलियर्स, तो फर्क नहीं पड़ता आप 6th 7th 8th 9th 10th में जो भी हुए, आप कितने भी सक्सेसफुल हुए, 95% आए, 98% आए, 99% ही क्यों ना आए हो, और भाई अगर आपके 65% ही क्यों ना आए हो, आप IIT क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप IIT क्रैक कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 65% वाला IIT क्रैक नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी ये भी कहीं नहीं लिखा कि 95% वाला ही क्रैक कर सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल मैटर नहीं करता तुमने अपने पास्ट में जो भी किया, ऑल मैटर्स इज अब तुम अपने पढ़ाई में कितना ज़्यादा एफर्ट देने वाले हो। अगर अब तुम दिन का 10 घंटा डेली कंसिस्टेंटली, डेली के 2 साल दे दो, तो हो ही नहीं सकता भाई तुम्हारा IIT में ना हो। तो ये सत्य वचन है भाई कि भाई देखो, तुम लोग भूल जाओ जो भी हुआ, तुम लोग के जितने भी सक्सेस थी सब भूल जाओ भाई। देखो सक्सेस में इसलिए भूलने को कह रहा हूँ क्योंकि भाई वो लोग सोचते हैं अब तो 95% आ गई, तो हम लोग बाकी लोगों से वैसे भी बहुत आगे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई हम तो हमारा तो हो ही जाएगा, हम तो वैसे भी 1% में आ रहे हैं, हो जाएगा हमारा तो भाई ये हो जाएगा। मैं ना यही लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं आगे चल के, फिर पूरी दुनियादारी को ब्लेम कर देते हैं, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे आगे, जस्ट कीप अज्यूमिंग लाइफ यू वॉन्ट, अडेप्ट लाइफ स्टाइल ऑफ IITian डॉक्टर। तो भाई मैं ऐसा क्यों कह, सीधी बात है कि जो तुम सोचोगे एग्जैक्टली वही होगा, जिस तरह रहोगे ना एग्जैक्टली तुम वैसे ही माहौल में ढल जाओगे। अगर तुम एक IITian की लाइफ जीना चालू कर दोगे ना, मतलब IITian हो के जैसे जस्ट डिसिप्लिन रहता है IITian लाइफ में, कंसिस्टेंसी रहती है, हम लोग का काम सबसे ऊपर रहता है भाई, तुम्हारे बुखार चढ़े, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, तुम्हें कहीं ट्रिप पे जाना हो लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारा काम एकदम सबसे टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए। तुम लोग को मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं व्लॉगिंग जैसे करता हूँ ना, 365 व्लॉग्स चैलेंज मैंने खुद से लिया हुआ है, मतलब मैंने मुझसे किसी ने बोला नहीं है लेने को, 365 व्लॉग्स चैलेंज मैंने खुद से लिया है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी हो भाई, हमें पूरा अपना 100% देना है, और मुझे व्लॉग बनाना है, मतलब बनाना है, चाहे 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, मेरी आंखों में कुछ भी हो, मेरी तबीयत खराब हो, मेरा गला खराब हो, मैंने व्लॉग डाला है। जैसा कि मुझसे काफी लोग जुड़े हुए तो वो लोग जानते भी हैं। तो ये होती है एक लाइफ ऑफ IITian कि तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारा काम एकदम 100%, तुम्हारा काम एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि तुम बाकी लोगों से अलग होगे। जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो तुम्हारी लाइफ टाइम यूज में होने वाली है, वो जो तुम सीखोगे जेई जर्नी में तो वो तुम्हारा लाइफ टाइम साथ में दिखना चाहिए कि हाँ भाई तुम एक जेई एस्पिरेंट रह चुके हो, मतलब लोग तुम्हें तुम्हारी मेहनत देख के कहेंगे हाँ भाई तूने कभी जेई दिया है क्या, तो समझ रहे हो ऐसा होना चाहिए। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो भाई। एक बात बताओ, अगर तुम अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पाओगे भाई तुम्हारा IIT में निकल जाएगा, तो तुम दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे, आस पास की एनर्जी को कैसे कन्विंस करोगे भाई। देखो हम लोग जो सोचते हैं ना, हम लोग वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐसा होता है, लिटरली होता है ऐसा कि हम लोग जो सोचते हैं एग्जैक्टली वही होता है। ठीक है, तुम लोग एक बार सोच लोगे ना भाई कि हाँ मेरा होगा तो होगा वो, और अगर तुम लोग के मन में ऐसा धुंधला सा होगा कि सब कुछ कि भाई क्या पता होगा, क्या पता नहीं होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो वो वैसा ही होगा जो तुम लोग सोच रहे हो। और अगर तुम लोग नेगेटिव सोचोगे भाई मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, नेगेटिव सोचने वालों का ना मोस्टली मोस्टली केसेस में मतलब ऐसा ही होता है कि वो लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर उनका कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाता, वो डिजर्व करते बहुत कुछ लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता। तो भाई ये थोड़ा माइंडसेट का गेम भी है थोड़ा, तुम लोग जैसा सोचोगे एग्जैक्टली वही होगा। अगर आप सही सोचोगे, आप मेहनत कर रहे हो, सबको सही कर रहे हो, तो आसपास की एनर्जी खुद ऐसा कुछ काम करेगी, कार्य करेगी कि वो अपने आप आपको मिल जाएगी। तो भाई ये मेरे लिए मेरी खुद का एक लाइफ टिप है, और मतलब ऐसा नहीं है हमें इस वीडियो में कुछ बहुत अलग बता रहे हैं, इस जस्ट के मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत नॉर्मल है, बट इसे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब खुद से पूछते रहो भाई, मुझसे नहीं तो किससे और क्यों नहीं होगा, मतलब यार तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई, तुम कोई अलग थोड़ी हो भाई, तुम मतलब भले ही चाहे तुम्हारे 65% आए हो, 60% आए हो, जितने भी आए हो, तुम अभी आज की डेट में 10 घंटे डेली के देने को तैयार हो तो तुम्हारा IIT में होगा। और अगर वो बंदा जिसके 95% आए हैं, तुम उससे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो,
तुम उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो अपनी पढ़ाई में, तो भाई उसका नहीं होगा लेकिन तेरा होगा। तो अपने आप को कम मत समझो। ऐसे बहुत से IITians मेरे मेरे साथ पढ़ रहे हैं जिनके 10th में बहुत बुरे बुरे नंबर आए हैं। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, और भाई अपने आप पे भरोसा तो करो यार। जब मुझे तुम पे भरोसा है यार, तो अपने आप पे तो कर ही सकते हो ना यार। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे, तो हम लोग बात करते हैं नोट्स की तरफ। तो भाई क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। क्योंकि भाई देखो, भले ही चाहे तुम नोट्स, जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो भले ही चाहे तुम नोट्स ना बनाओ, लेकिन तुम्हें सब समझ में आना चाहिए। मतलब अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए, हाँ भाई सर ने क्या पढ़ाया है। तो बेस्ट एडवाइस ये है कि तुम चाहे नोट्स तो तुम चाहे घर पे आके भी बना सकते हो ना, तो वो छाप तो मैं बुक किताब थोड़ी लिखनी है भाई, कि तुम पूरा एक 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 लाइन, एक एक सपने सर ने जो जो बोला वो तुम्हें लिखना ही है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम घर आके बुक से भी लगा के तुम नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पर हाँ, नोट्स बनाना जरूर, नोट्स जेनुअनली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब ये नहीं मैथ्स में नोट्स बनाने लगे, भाई मैथ्स में नोट्स नहीं बनाए जाते, और फिजिक्स में भी ऐसा नहीं होता कि बहुत एकदम लंबे लंबे नोट्स बनाने। भाई फॉर्मूला शीट होती है, फॉर्मूला शीट होती है, और थोड़ा बहुत बेसिक शॉर्ट नोट्स होते हैं जो अपन को समझ में आता है कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, और शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिया जाता है। ओके, केमिस्ट्री में नोट्स बनाने की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, तो जो रिएक्शंस रहती है वो सब याद करनी होती है, तो भाई देख लेना, ठीक है, उसके नोट्स होने चाहिए अच्छे, ठीक है। भाई नोट्स तो तुम अपने दोस्त वगैरह से भी मांग सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक अंडरस्टैंड तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई। जैसा कि मैंने बोला, नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट इन ब्रीफ, मतलब स्पेसिफिक लिखना ज़्यादा। ब्रीफ का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत मतलब एकदम एक्सप्लेन कर दो, ना भाई, ब्रीफ मतलब होता है कि तुम पॉइंट्स लिखो, तो मेन मेन पॉइंट्स लिखो, जितना छोटा कर सकते हो, जितना उसे कंप्रेस कर सकते हो उतना करके लिखो, ठीक है। तो शायद आपको नहीं पता हो ब्रीफ की ब्रीफ ब्रीफ का मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग ब्रीफ को ना उल्टा सोचते हैं, ब्रीफ का लोगों लगता है कि ब्रीफ का मतलब होता है कि और एक्सप्लेन करके लिख दो, ठीक है। तो ब्रीफ का मतलब अलग नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, स्लैंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो ये वाले स्लैंग भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में और भी बहुत सारे स्लैंग यूज करते हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं रिविजन की। तो भाई देखो, रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन भाई हम लोग को मतलब पूरे थ्रू आउट द जर्नी करना ही करना है, और कैसे करना है उसके लिए हम बैठे बता रहे ना भाई, बता रहे बता रहे बता रहे। सुनो सुनो सुनो, देखो भाई, एक होता है ईयरली रिवीजन, एक होता है मंथली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन और डेली रिवीजन। देखो ईयरली रिवीजन में तो आते हैं हमारे मॉक पे मॉक टेस्ट, ठीक है, PYQs, मॉक टेस्ट, ये सब जो हम लोग लगाते हैं ना, वो आते हैं हमारे ईयरली रिवीजन में। तो वो ये हम लोग करते हैं पूरे साल, मतलब पूरे साल भर का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं मंथली रिवीजन में। तो देखो भाई, तुमने जो जो पूरे मंथ में पढ़ा है ना, उसे रिवाइज करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, समझ गए। मतलब एंड ऑफ द मंथ में तुमने जो जो एक बार मतलब देखना है कि पूरा पूरे मंथ में क्या पढ़ा है तुमने, और प्रीवियस तो भाई पढ़ते रहना है, मतलब रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकाल लेना भाई। JEE में नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। वीकली रिवीजन, आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, वो मतलब पूरा एक बार पन्ने पलटा लिया करो कि भाई क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। इसलिए आपके नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे इस चीज़ में। डेली रिवीजन तो भाई आपको जैसे करना ही है कि आपने आज पूरे दिन में एक बार पलटा लिया करो क्या पढ़ा है। भाई तुम लोग जब पन्ने पलटाते रहोगे ना, जितनी जितने ज़्यादा पन्ने पलटाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में स्टोर होगा, समझे। और अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड ओपन योर लर्निंग बटन। अब भाई क्या होता है ना, जब हम लोग 11th में आते हैं तो काफ़ी मतलब लिटरली काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अब तो भाई हमारे 95% आ गए, अब तो हमसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, अब तो भाई हमसे ज़्यादा कोई पढ़ने पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। देखो भाई एक बात बताऊँ, वो जो टीचर है वो तुमसे बहुत ऊपर है, ठीक है, उसे तुमसे बहुत कुछ आता है, मतलब उसे सब कुछ आता है, तो तुम उससे क्या मतलब मुंह चलाओगे भाई। तुम कुछ बच्चे होते हैं भाई, वो टीचर को टेस्ट करते हैं भाई, टीचर से रैंक पूछेंगे, सर आपकी रैंक क्या है, वो टीचर से पूछेंगे कि सर आपने कितना क्या किया है। भाई देखो, वो उन्हें जज करेंगे कि भाई सर आप कौन सी ब्रांच से थे, अच्छा इस मेटलर्जी से थे, अच्छा ये वाली ब्रांच से थे, अरे सर आप तो बहुत लोअर ब्रांच से थे। ना भाई देखो, अभी तुम लोग 11th में आए हो ना, अभी तुम्हें लग रहा होगा IIT बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस लें, दिल्ली की कंप्यूटर साइंस लें, भाई तू हमारे NV सर ने बोला है ना कि आप तू तू अभी एक बार एडवांस के पेपर में बैठ जा, तुझे धनबाद की माइनिंग भी अच्छी लगेगी, तो वो बहुत सही चीज़ है। और भाई रिस्पेक्ट योर टीचर्स, और तो समझ गए ना। तो ये चीज़ होती है, इनिशियल फेज में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले के भाई तुम IIT में ऐसे ही आ जाओगे, ठीक है।
बहुत रगड़ना पड़ता है, पूरे 2 साल तुम्हें रगड़ना पड़ेगा। और भाई अपने आप को समझा लो कि बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। भाई सबकी लाइफ में मैं नहीं हूँ यार, मेरी लाइफ में कोई मेरे जैसा नहीं था जो तुम लोग को इतना सपोर्ट करेगा, इतना हर चीज़ बता देगा। लाइक मैं बहुत ज़्यादा मिस आउट करता हूँ ये चीज़ कि भाई काश मेरी लाइफ में भी कोई मेरे मतलब मेरे जैसा कोई होता है इतना सपोर्ट करने वाला। पर कोई बात नहीं भाई, तुम लोगों के लिए मैं हूँ। और बस अब आगे बात करते हैं, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर, ट्रस्ट योर टीचर, अपने टीचरों पे भरोसा रखो। वो जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कोचिंग में तभी हैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए। अपने आप को बहुत नेता मत समझो भाई, है ना, वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, अपना ये मत सोचो कि अलग क्या करें। भाई जो टीचर बोल रहा है उतना कर लो, तुमने उतना भी कर लिया ना तो मैं IIT आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और मेन तो तुम्हारा यही है ना IIT में आना, कंसंट्रेशन एकदम हाई रखना और भाई स्टे कंसिस्टेंट। भाई देखो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब मैं बताऊँ कंसिस्टेंसी इज समथिंग कि भाई जो तुम थ्रू आउट द अपनी लाइफ करोगे और वो जो जेई जर्नी से सीखोगे तुम भाई, वो थ्रू आउट द लाइफ तुम्हारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दैट विल मेक यू डिफरेंट एक नॉन IITian और IITian में कहीं ना कहीं यही एक डिफरेंस रहता है कंसिस्टेंसी का। दे नो IITians नो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, और अगर एक नॉर्मल नॉन IITian भी अगर कंसिस्टेंट रहता है, ये सारे ट्रेड्स जो IITian में होते हैं ये सारे फॉलो करता है, ये सब अडेप्ट करता है, तो भाई उस बंदे वो भी बंदा एक IITian से कम नहीं है। तो भाई मैं तुमसे सीधा कह रहा, तुम लोग से मैं कोई यार शुगर कोटिंग नहीं करूँगा कि भाई IIT की लाइफ IIT के बाद लाइफ चिल है। देखो भाई चिल तो कुछ नहीं होता है तुम्हारी लाइफ, देखो जितने ज़्यादा तुम ऊपर आते रहोगे उतना ज़्यादा लाइफ बिजी ही होती जाएगी, ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, देखो जब तुम 19-20 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर एक लोड आता है कि भाई तुम्हें कमाना है, तो एक वो चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। तो ये जेई जर्नी आपको प्रिपेयर करेगी आगे की लाइफ के लिए, समझे। तो इस जेई जर्नी में यार मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरे जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा मैं, जितनों का हो सके मैं रिप्लाई भी करता हूँ। भाई देखो अब सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पर फिर भी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना के रखा है लवली पीपल चैट्स, आप उसमें ज्वाइन कर लो। और उसमें हम लोग काफ़ी बच्चों के डाउट्स, सबकी मेंटरशिप हम लोग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वगैरह नहीं लेते भाई। तो मैं और अभिनव भाई हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यू विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, तुम लोगों के पास बहुत समय है। अभी तो सिर्फ देखो 11th का 1 महीना हुआ है, अभी बहुत टाइम है। यू कैन बी अमंग टॉप 1000 ईजिली, तो भाई ये तो सच्चाई है। देखो भाई तुम लोग अंडर 1000 आराम से आ सकते हो, क्योंकि अभी लिटरली अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है भाई तुम्हारी 11th स्टार्ट हुए, ठीक है। तो अब मैं सीधा कहूँगा कि जो हो गया ना अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा भाई उनसे नहीं बनना, कुछ तो तिगड़म है 11th में। तो देखो तुम्हें करना क्या है, अब जैसे अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, अब तुम आगे तुम ये चीज़ पॉइंट्स दिमाग में लेके और चलना। पर अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो भाई देखो जो बैकलॉग है इनिशियल के देखो चैप्टर इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, और वो बीच बीच में कवर करते रहना। और जो चल रहा है ना अभी कोचिंग में भाई उसे अच्छे से पढ़ना, एकदम तरीके से पढ़ना, नोट्स बनाना, सब कुछ अच्छे से पढ़ो भाई, पता वो जो पढ़ा रहे हैं ना एकदम प्रॉपर पढ़ो, ठीक है। और अब ठीक है भाई, अब लास्ट में माना जो हो गया उसे भूल जाओ और अब सीरियस हो जाओ 11th को लेके, और अब नो एक्सक्यूज बनाना बंद करो भाई, तुम एक्सक्यूज बनाओगे तो दिक्कत होगी भाई, ठीक है। मेक योर वॉल पेपर एज योर ड्रीम, ये तो भाई अपने पर्सनल टिप है कि भाई अपने सपने को अपना वॉलपेपर बना लो, रोज देखोगे उसे, रोज जियोगे तभी तो अचीव कर पाओगे, समझे। अब भाई तो भाई लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई तुम लोग ना अपना सपना देखो, जो सपने को तुम जो सोच लो ना IIT बॉम्बे CSE, तो भाई उस सपने को ना एकदम क्लियर रखो यार दिमाग में। तुम जब एकदम डार्ट जब तक तुम फेंक ना दो ना अपना बोर्ड की तरफ, वो गोल बोर्ड होता है ना, जब तक तुम उसकी तरफ फेंक ना दो तब तक वो तुम्हें ब्लैक जो डॉट रहता है ना बीच में तुम्हें उसी की तरफ देखना है। और फिर जब तुम्हारे हाथ से छूट जाए तो फिर जहाँ भी लगे उसे एक्सेप्ट कर लो और फिर वहाँ से तुम आगे और ज़्यादा कंटिन्यू करना, फिर और बड़ा गोल देखना और बड़ा टारगेट उठाना, समझे। ऐसा दिस इज़ वॉट लाइफ, दिस इज़ वॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है जैसा कि मुझे पता है, अब मैंने सोच लिया था कि भाई ये वीडियो में तुम लोग को अच्छे से सब इन्फॉर्मेशन देनी है, फ़र्क नहीं पड़ता भाई थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं। जिन्हें जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हुई हो तो भाई प्लीज़ कमेंट में प्यार बरसा दो, मुझे भी मेरा रिवॉर्ड मिल जाता है, मतलब रिवॉर्ड में मतलब कमेंट आप लोग कर देते हो मेरा दिन बन जाता है यार, तो यही मुझे चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस
बाय बाय, टेक केयर, बाय।